नमस्कार। आज नवरात्रि का छठा दिन है और हम चर्चा करेंगे कि आज आपको महाविद्या के कौन से स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और उनकी साधना के लिए विधि विधान क्या हो और किस मंत्र का आप प्रयोग करें। तो नवरात्र के छठे दिन महादेवी माँ भैरवी के स्वरूप की आराधना करने का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। इनकी साधना किसी भी साधक को नैरक्त कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि नैरक्त कोण कौन सा है। नैरक्त कोण यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो स्थान होता है उसे नैरक्त कोण कहते हैं। नैरक्त कोण में इनकी साधना करें तो आपका मुख यानी किसी भी साधक का मुख नैरक्त कोण की तरफ होना चाहिए। इनकी साधना के लिए जो मंत्र आप प्रयोग करेंगे वह इस प्रकार है, क्रीं ह्रीं भैरवी ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र को कम से कम आप 1100 बार जाप करें और आपके मन में यदि किसी विशेष सिद्धि के लिए आप इनकी साधना करना चाहते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता है आपकी, तो आपको किसी योग्य आचार्य की आवश्यकता लेनी सहायता लेनी चाहिए। सामान्यतः किसी भी भक्तजन को कम से कम 108 बार सुबह और 108 बार शाम को संध्या काल में इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से दुष्टों का नाश होता है और अकाल मृत्यु, अकारण मृत्यु, अकाल भय, दुष्टात्मा के प्रभाव से आपका बचाव होता है। और उसके साथ साथ आपके मन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो आप माता के चरणों में अपने कष्ट को, अपने भाव को निवेदित करें और इस साधना के उपरांत माता की आप आरती करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारियां पूरे नवरात्र पर्यंत हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।